साइबर सिटी गुरुग्राम में सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामले काफी चिंताजनक हैं। हरियाणा में पहले ही कई चौक चौराहों को सर्वे के मुताबिक ब्लैक स्पॉट घोषित किया जा चुका है, तो वहीं इसके बाद कई मुहिम भी चलाई गई। पुलिस की तरफ से कई ऐसी मुहिम चलाई जा रही है जिससे कि ट्रैफिक नियमों की जानकारी लोगों को दी जाए। वर्ष 2017 में जो सड़क दुर्घटनाओं के जितने मामले गुड़गांव पुलिस के नोटिस में आए उसमें करीब 1214 सड़क दुर्घटनाएं लास्ट ईयर में हुई हैं, जिसमें बात अगर फैटल एक्सीडेंट की करें तो करीब 450 के करीब फैटल एक्सीडेंट हुए हैं, और उसी में ही नॉन फैटल एक्सीडेंट की बात करें तो 480 के करीब नॉन फैटल एक्सीडेंट हुए हैं। और इसी तरीके से लास्ट ईयर जो दिसंबर 2017 में करीब टोटल 122 रोड एक्सीडेंट लास्ट मंथ जो दिसंबर 2017 में हुए थे, इसके लिए जो एक्सीडेंट जिस प्रकार से जो एक्सीडेंट केसेस की जो बढ़ोतरी है उसके लिए गुड़गांव पुलिस पूरी तरह से अवेयर है। और गुड़गांव पुलिस के जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं उनको गुड़गांव पुलिस द्वारा उनको आइडेंटिफाई किया गया है, और आइडेंटिफाई उनको और भी किया जा रहा है कि जहां पर ज़्यादा एक्सीडेंट की घटनाएं घटित हो रही हैं उन पर स्पेशल ट्रैफिक पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया है, और इस प्रकार के जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं वहाँ पर उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पर जो साइन बोर्ड्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से स्कूली बच्चों को भी ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जा रही है। वहीं इसके बावजूद गुरुग्राम में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक है और उन्हें शहर से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद भी गुरुग्राम में हाईवे पर ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। गाड़ी और टैक्सी के भी दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रही हैं। फिलहाल इतनी मुहिम के बावजूद दुर्घटनाओं की ये संख्या और साल भर में 48 लोगों की मौत से साफ है कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और खुद लोगों को भी समझने की जरूरत है। टोटल न्यूज़ के लिए गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट।